साहिल कपूर और मैं एडलवाइज का चीफ मार्केट स्ट्रेटजिस्ट हूँ। 8 नवंबर के बाद जब सरकार ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया, उसके बाद से लगातार सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि ये जो क्रैश क्रंच है, इसका अभाव है, जो कैश का अभाव है, ये कब खत्म होगा, ये पूरी सिचुएशन जो है ये कब नॉर्मलाइज होगी। ये क्वेश्चन लगातार बना हुआ है कि आम आदमी के लिए और मार्केट्स के लिए, स्टॉक मार्केट्स के लिए और करेंसी मार्केट्स के लिए एक बड़ा सवाल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस पे हमारा क्या व्यू है, हमें लगता है कि ये कब खत्म होगा और कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं इसके समझने के लिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वही इंपॉर्टेंट नंबर से जो आप सब लोग जानते हैं, जो टोटल कैश है हमारी इकोनॉमी में, मतलब के नोट जो सर्कुलेशन में है, वो तकरीबन 17 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के हैं। ये जो 17 लाख करोड़ का टोटल सम है, इसके अंदर से 14.5 लाख करोड़ पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट्स के रूप में थे। ये सारा पैसा जो है 8 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद जो है, ये सबका सब पैसा 500 और 1000 रुपए के नोट, ये इनवैलिड हो गए, मतलब ये अब यूज नहीं हो सकते। तो ये सारा पैसा जो है सिस्टम से बाहर चला गया एक तरह से, क्योंकि ये यूजलेस बन गया। अब सरकार को और RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, ये 14.5 लाख करोड़ रुपए वापस से इकोनॉमी के अंदर, बैंकिंग सिस्टम के अंदर और आम लोगों की जेब में पहुंचाने, एक ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अब देखते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट नंबर्स क्या हैं। इंडिया की जो पूरी इकोनॉमी है वो तकरीबन 150 लाख करोड़ की है, 150 लाख करोड़। ये पूरी इकोनॉमी के अंदर से 30%, मतलब के तकरीबन एक तिहाई हिस्सा कैश इकोनॉमी है, ऐसी इकोनॉमी जो कैश पे चलती है, जहां पे लोग नोट देते हैं 500, 1000, 20 रुपए, 100 रुपए और अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। ये जो इकोनॉमी है इसका 10वां भाग, मतलब 10% हम समझते हैं, जो कि एक ब्लैक इकोनॉमी के रूप में सामने आता है। तो अगर आप देखेंगे 150 लाख करोड़ टोटल इकोनॉमी है, उसके अंदर से 30% मतलब 45 लाख करोड़ जो है कैश इकोनॉमी है और 4.5 लाख करोड़ रुपए हमारे तजुर्बे से, हमारे एस्टीमेट से जो है वो ब्लैक इकोनॉमी के रूप में कैश कंपोनेंट सामने आ सकता है। तो अगर आप टोटल नंबर दोबारा से देखें, 14.5 लाख करोड़ रुपए ऐसे थे जो सरकार ने इनवैलिड घोषित कर दिए 500 और 1000 के रूप में, इसमें से 4.5 लाख करोड़ रुपए हमें लगता है कि वो ब्लैक है और कैश है, अनअकाउंटेड है, काला धन है। तो इसका मतलब 14.5 में से 4.5 वापिस आने की उम्मीद कम है। तो इसका मतलब 10 लाख करोड़ रुपए ही बैंकिंग सिस्टम में, या फिर जो लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, अपने नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं बैंक्स में जाके, पोस्ट ऑफिस में जाके, वो 4.5 लाख करोड़ रुपए छोड़कर 10 लाख करोड़ ही वापस बैंकिंग सिस्टम में आएंगे। तो ये 10 लाख करोड़ का नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कितने समय में सभी चीजें जो है नॉर्मलाइज होंगी। जो सिचुएशन अभी आप देख रहे हैं, थोड़ा लिक्विडिटी क्रंच देख रहे हैं, कैश की प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये सब नॉर्मल होने के लिए नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 लाख करोड़। अभी जितनी भी लिक्विडिटी क्रंच है, जितनी भी सिचुएशन है जहाँ पे नए नोट जो है 2000 के और 500 रुपए के, जब तक वो लोगों की जेब में नहीं आते, तब तक ये जो लिक्विडिटी क्रंच है बना रहेगा, कैश का अभाव बना रहेगा सिस्टम में। अब हम ये एस्टिमेट करेंगे कि ये अभाव कब खत्म होगा। मैंने आपको बताया 10 लाख करोड़ वापिस आने की उम्मीद है, जो कि पुराने 500 और 1000 के नोट में, तो यही 10 लाख करोड़ जो है वापिस सिस्टम के अंदर वापिस जाएगा, और जो बाकी 4.5 लाख करोड़ है उसका सरकार और RBI डिसीजन लेगा कि उसका क्या करना है। तो अभी हम 10 लाख करोड़ पे फोकस करते हैं। हमारा एस्टिमेट है कि तकरीबन 70%, मतलब 10 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ अगर सिस्टम के अंदर वापस आ जाता है, मतलब बैंक से विड्रॉ हो जाता है, लोगों की जेब में आ जाता है, तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है नॉर्मलाइज हो जाएगा। सभी लोगों के पास जो 8 नवंबर से पहले डीलिंग थी, उस तरह की डीलिंग वापस बाजारों में, बिजनेस में वापस शुरू हो जाएगी। अब ये 7 लाख करोड़ के नंबर के लिए 2-3 अच्छे और इम्पोर्टेंट नंबर है देखने के लिए। पहला, आप देखेंगे कि जो बैंक्स हैं, जितने भी PSU बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, इन सब ने पिछले 8 नवंबर से लेकर अभी तक के पूरे दौरान तकरीबन 6 से 6.5 लाख करोड़ रुपए के डिपॉजिट रिसीव किए हैं, मतलब लोगों ने जाके अपने पैसे वहां जमा किए हैं पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट के रूप में। तो ये जो 6 साढ़े 6 लाख करोड़ रुपए जमा हुए हैं, इसमें से तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए लोगों ने विड्रॉ कर लिए हैं ATM से, बैंक्स में,
लाइनों में खड़े हो गए, ये सब पैसे जो है ये विड्रॉ हो गए हैं और सिस्टम में वापिस आ चुके हैं। अब ये समझने के लिए कि 7 लाख करोड़ रुपए विड्रॉ कैसे होंगे, इसका सबसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि आरबीआई कितनी तेजी से ये नोट प्रिंट कर रहा है, आरबीआई कितने नोट प्रिंट कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है और कितने नोट प्रिंट करने के बाद ये लोगों के पास सिस्टम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि अथॉरिटी है जो कि हिंदुस्तान में इंडिया में नोट प्रिंट कर सकता है, उसके पास तकरीबन 3,600 करोड़ नोट प्रिंट करने की कैपेसिटी है, जितनी भी उसकी मिंट्स हैं जहाँ पे नोट प्रिंट होते हैं। अगर आप इनके नंबर देखेंगे तो तकरीबन एक दिन में 10 करोड़ नोट जो है आरबीआई प्रिंट कर सकता है। अभी क्योंकि ये डीमोनेटाइजेशन एक बहुत ही सीक्रेटिव प्रोसेस था, इसमें हमने कुछ एजम्पशन लिए कि सरकार ने किस तरह से नोट प्रिंटिंग की होगी, तो हमारे मुताबिक 8 नवंबर से पहले सरकार ने 2000 के नोटों को प्रिंट करने की जल्दी की होगी, वो नोट ज़्यादा प्रिंट किए होंगे और 500 के नोट कम प्रिंट किए होंगे। अभी आप देखिए कि ये पूरी एक्सरसाइज होने से पहले 8 नवंबर से पहले टोटल नोट 500 और 1000 के तकरीबन 14 लाख करोड़ के थे, मैं आपको नंबर बता चुका हूँ। इसमें से 8 लाख करोड़ 500 रुपये के नोट थे और 6 लाख करोड़ जो है तकरीबन 1000 रुपये के नोट, तो तकरीबन 40-60 का रेशो था, 40 नोट 500 में से 1000 के, 60 नोट 500। हमें लगता है कि आरबीआई और सरकार ये रेशो मेंटेन रखेगी, तो 10 लाख करोड़ अगर वो इनिशियली प्रिंट कर रहे हैं उसमें से 4 लाख करोड़ 2000 में करेंगे, 6 लाख करोड़ जो है 500 में करेंगे। अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो हमारे मुताबिक आरबीआई ने तकरीबन 2 बिलियन नोट जो है वो 2000 के प्रिंट कर चुके हैं ऑलरेडी, इसका मतलब 4 लाख करोड़ रुपए 2000 के रूप में ऑलरेडी सिस्टम में है, प्रिंट हो चुके हैं और बाकी बचे 500 के नोट और वो आरबीआई ने पिछले कुछ दिन में प्रिंट किए हैं। तो अगर आप आरबीआई की टोटल कैपेसिटी देखेंगे 10 करोड़ नोट पर दिन के हिसाब से, तो पिछले 2 महीने में आरबीआई 5 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी प्रिंट कर चुका होगा। टोटल रिक्वायरमेंट अगर आपको याद हो 10 लाख करोड़ की है, 7 लाख करोड़ ऐसा नंबर है जहां पे आप नॉर्मल हो जाएंगे, सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगे, और आरबीआई ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया 5 लाख करोड़ रुपए प्रिंट कर चुका है और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हर दिन आरबीआई जो है और 500 रुपए के नोट प्रिंट कर रहा है, क्योंकि 2000 के वो सफिशिएंट क्वांटिटी में जो कि अभी जरूरत है वो प्रिंट कर चुका है। तो आने वाले समय में हमें लगता है कि अगले कुछ दिनों में हमारे एस्टिमेट के हिसाब से 7 लाख करोड़ का नंबर पहुंचने के लिए हमें तकरीबन 35-40 दिन और लगेंगे, जिसकी तकरीबन डेट आती है 30th December। इसका मतलब वहां तक सरकार इतने आरबीआई के साथ मिलके इतने नोट प्रिंट कर चुका होगा कि पूरी रिक्वायरमेंट जो है वो मीट हो जाए, 7 लाख करोड़ पे पहुंच जाए। अब जैसे मैंने आपको बताया 7 लाख करोड़ का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 35-40 दिन में इस नंबर तक पहुंचने की पूरी पूरी चांसेस हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ATM विड्रॉल बढ़ जाएंगे, बैंकों की क्यूज छोटी हो जाएंगी और जो गवर्नमेंट ने POS मशीन लगाई है जगह जगह पर तकरीबन 14 लाख मशीन, वहाँ से भी लोग पैसे विड्रॉ करेंगे। तो जैसे ही 7 लाख करोड़ का विड्रॉल अमाउंट पे पहुँचेंगे ये पूरी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी, एक टिपिंग पॉइंट जिसको आप बोलते हैं वो रीच हो जाएगा, जहाँ से ये पूरी जो सिस्टम के अंदर स्ट्रेस है कैश को लेके वो खत्म हो जाएगा। तो हमारे मुताबिक ये सिचुएशन तकरीबन 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में तक बिल्कुल बदलती हुई नजर आएगी, ऑल अराउंड जो आप स्ट्रेस देख रहे हैं वो खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही आप देखेंगे कि मार्केट्स के अंदर भी, रुपए की मार्केट के अंदर भी इसके डायरेक्ट इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये एक कंप्लीट पिक्चर थी, नॉर्मलसी कब तक आएगी, ये सारी सिचुएशन नॉर्मल कब होगी, इसके साथ ही हम यही फिनिश करते हैं। थैंक यू।